अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना एंड वॉलनट ब्रेड बनाना सिखाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल का आइकॉन है उसे भी हिट कर दें। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करें। मैदा 3 कप, दूध 1 कप, केले 3 अदद, 2 अंडे, ब्राउन शुगर 3/4 कप, अखरोट 1 कप, इसे मोटा मोटा क्रश कर लें, बेकिंग पाउडर 3 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून। सबसे पहले केलों को मैश कर लें। केले थोड़े से नरम यूज़ करें। अच्छी तरह मैशर की मदद से इसे मैश कर लें। मैं अगेन बता रही हूँ, ज़्यादा सॉफ्ट केले चाहिए होंगे बनाना ब्रेड में। केले अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। केलों को अच्छी तरह मैश करके इस पर 2 स्पून शुगर डाल दें। और इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रख दें। अब मैदे के अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करें। मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, बेकिंग सोडा नहीं। बेकिंग पाउडर ऐड करके इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। अब एक मिक्सिंग बाउल में मैदे वाला मिक्सचर ऐड करके इसको छान लें। इसे एक दफ़ा छान लिया है, अब इसे अगेन छानेंगे। टोटल इसे 2 दफ़ा छान कर रखना है। ये सेकंड टाइम मैं छान रही हूँ। मैंने इसे 2 दफ़ा छान लिया है। अब मैं इसे एक मिक्सिंग बाउल में ऐड कर दूंगी। इसके साथ ब्राउन शुगर ऐड करें, वॉलनट्स, बेकिंग सोडा। इसे डालकर मिक्स कर लें। ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब अंडों को हल्का सा बीट करें। बीट करके इसे भी इसमें ऐड कर दें। इसके साथ ही जो केले हमने मैश किए थे वो भी ऐड कर दें। साथ ही दूध ऐड कर दें। क्वांटिटी कम या ज़्यादा नहीं करनी है, जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है उतनी ही यूज़ करें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस ब्रेड की अच्छी बात यह है कि इसको ज़्यादा बीट नहीं करना पड़ता। बहुत इजी रेसिपी है। जस्ट चीज़ें मिक्स करो और बेक कर लो। डाइट कॉन्शियस लोग इसमें मैदे की बजाय बादाम का पाउडर ऐड कर सकते हैं। हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। ब्रेड के सांचे में बटर पेपर लगा के इसको ग्रीस कर लें और इसमें ये मिक्सचर ऐड कर दें।
बैटर ऐड करके इसको एक दफ़ा किचन काउंटर पे इस तरह झटक ले ताकि हर साइड से इक्वल हो जाए। सांचे को हाफ फिल करें क्योंकि इसने राइस भी करना है, ये ना हो कि ब्रेड का बैटर बाहर गिर जाए। अब ये ओवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। 180 डिग्री पर 40 से 45 मिनट्स के लिए इसे बेक करें। 40 से 45 मिनट्स के बाद इसे टूथपिक से चेक करें। टूथपिक बिल्कुल साफ बाहर है, इसका मतलब है कि ब्रेड बिल्कुल रेडी है। ये देखें किसके अंदर अच्छी राइज हुई है ब्रेड। मेरे पास छोटा ब्रेड का सांचा था इसलिए छोटी ब्रेड बनाई है मैंने। आप इसे बड़ी ब्रेड के सांचे भी बना सकते हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रखें, उसके बाद हम इसके स्लाइस कट करेंगे। ब्रेड को मैंने रूम टेम्परेचर पर 10 से 15 मिनट रखा है, ये ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके स्लाइसेस कट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, बनाना एंड वॉलनट ब्रेड बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें कितनी सॉफ्ट ब्रेड बनी है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसे और भी हेल्दी बनाना चाहते हैं आप इसमें मैदे की बजाय आमंड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।